चैनल विजिट करने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। इस चैनल में जो नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल बटन है वो प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, आज शुरू करते हैं हम एक नया टॉपिक, रेडमी 9 पावर, जो कि ना EDL पोर्ट ऑटोमेटिक बनता है। हम लोग को पता है जो EDL पोर्ट बनाने के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह अनलॉक करने के लिए ऐसा कुछ हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो कोई EDL पॉइंट शॉर्ट करके केबल घुसाना पड़ता है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली डेटा केबल इंसर्ट करने से ही कंप्यूटर डिवाइस मैनेजर में हम लोग देखते हैं जो EDL पोर्ट ऑटोमेटिक बनता है। मोबाइल तो पावर ऑन नहीं हो रहा है, कस्टमर आया जो मोबाइल पावर ऑन नहीं हो रहा है, तो हम जब कंप्यूटर में इंसर्ट किया हम देख रहे हैं जो ऑटोमेटिक EDL पोर्ट बन रहा है। इसके बाद हम क्या किया, इसके बाद हम बैटरी डिस्कनेक्ट करके फिर कंप्यूटर में घुसा दिया, तब भी EDL पोर्ट ऑटोमेटिक ही बन रहा है। तो आज जो सोल्यूशन हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए गौर से, ये वाला जो मार्क करके हम दिखा रहे वो मार्क जिस एरिया में हम मार्क किया वो वाला ढक्कन आपको ओपन करना है हॉट गन की मदद से, बहुत बहुत केयरफुली करना है ताकि ना आपका सेट फुल्ली डेड ना हो जाए, तो कंपोनेंट कोई छूट ना जाए। करने के बाद जरा देखिए क्या करना होगा, ये जो दो कैपेसिटर आप देख रहे हैं ये आपका यहाँ से उठाना है, ठीक है, एक कैपेसिटर यहाँ से उठाना है। हम पहले से उठा दिया था, लेकिन आपको समझने आपको दिखाने के लिए हम जस्ट इसमें बैठा दिया था, तो अब देखा जो हम अभी वो वहाँ से रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद आपको क्या करना होगा, घर से देखिए, कोई वीडियो स्किप मत कीजिए ताकि ना एक कोई सोल्यूशन आपका मिस ना हो जाए, तो बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाए। यहाँ से रिमूव करने के बाद आपको क्या करना होगा, बहुत ध्यान से जिसमें क्या जिस एरिया में कैपेसिटर था उस जगह बहुत ध्यान से क्लीन करना है चिमटी की मदद से, ताकि ना एक दूसरे का साथ कनेक्ट ना रहे। तो हम ऑलरेडी क्लीन कर लिया, अब जरा देख लिया जो कौन सा एरिया में हम किया, जरा गौर से देखिए, हम जूम करके दिखा रहे। देखिए मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, हम मोबाइल का जो कैमरा है वही इस्तेमाल कर रहे, मोबाइल कैमरा से ही आपको वीडियो हम शूट किया। जरा देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से हम रिमूव किया, गौर से देखिए, दो कैपेसिटर था। रिमूव करने के बाद क्या करना होगा जरा देखिए, देखिए वो वाला आप थोड़ा क्लीनर से क्लीन भी कर लीजिए वो वाला जगह, कोई हीट फिट मत दीजिए, जस्ट हम अभी केबल सॉरी मोबाइल हम सेट कर रहे हैं। जरा एक बार देखिए जो मोबाइल ऑन हुआ कि नहीं, गौर से देखिए। अरे वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ना आपका रियल सॉल्यूशन यहाँ से मिलते रहे। ध्यान से देखिए, छोटा सा एक वीडियो 5 मिनट का, आप स्किप मत कीजिए। तो हम ऑलरेडी असेंबलिंग हो गया मोबाइल, फुल असेंबलिंग हम अभी नहीं करेंगे, जस्ट आपको दिखाने के लिए जितना तक जरूरी होता है उतना ही हम कर लिया। करने के बाद मोबाइल पावर ऑन हम कर रहे और आप लोग जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये 100% रियल वीडियो, कोई कट पेस्ट वीडियो नहीं है, कोई कट पुट वीडियो नहीं है, जो हम दिखा रहे हैं आपका 100% रियल वीडियो ही दिखा रहा है। इसमें जो दिक्कत आ रहा है जो पावर स्विच उसमें प्रेस
कर रहे हैं लेकिन उसमें मदरबोर्ड से पावर पॉइंट नहीं टच हो रहा है, तो हम ज़्यादा प्रेस कर फिर भी प्रेस कर रहे हैं ज़्यादा। देखिए देखिए फ्रेंड्स, मोबाइल तो पावर ऑन हो गया ऑलरेडी। तो इस सॉल्यूशन के लिए फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता ही है ना, और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बगल में